किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब तक पूरी प्लानिंग के तहत काम ना किया जाए तब तक उसका रिजल्ट ठीक से निकल कर नहीं आ सकता। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। 4.5 साल तक नेता आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही वक्त निकाल दिया और अब जब चुनावी साल आया तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सारे नेता एक सुर में बोलने लगे, हम सब एक हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रभारी रंधावा जी कभी जयपुर तो कभी दिल्ली का दौरा करते रहे। राजस्थान में जो भी बातचीत होती है उसका फीडबैक ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। वो पहले भी यही काम कर रहे थे और अब भी यही काम कर रहे हैं। काम ज्यादा लगने लगा तो रंधावा की मदद के लिए 3 और सह प्रभारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया, लेकिन रंधावा जी से कुछ खास हो नहीं सका। ऊपर वालों के चक्कर में रंधावा जी नीचे भी ध्यान नहीं दे पाए। अब जब उनके सह प्रभारी जिले और गांव ढाणियों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मन की व्यथा बताने लगे हैं। जब नींव ही ठीक से नहीं रखी तो इमारत कैसे खड़ी होगी। कुछ ऐसा ही नजारा जालौर में देखने को मिला जब सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ कार्यकर्ताओं के बीच समीक्षा करने पहुँचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी से कहा, जब 3 साल से कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ही नहीं बना तो कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे। इसे लेकर जब राजस्थान तक के रिपोर्टर ने वीरेंद्र राठौड़ से सवाल किया तो सह प्रभारी जी कहने लगे, 4-5 नाम प्रस्तावित हैं, जल्द ही इस पर फैसला होगा। कि आप संगठन का विस्तार करने की बात करें, लेकिन पिछले 3.5 साल से जिले के अंदर जिलाध्यक्ष नहीं है, कप्तान नहीं है, तो फिर संगठन आगे कैसे बढ़ेगा। मैंने कहा है कि जहाँ जहाँ संगठन में बदलाव होंगे, 4 या 5 जिले पूरे प्रभार क्षेत्र में ऐसे हैं जहाँ नामों पर प्रस्ताव दिए गए हैं और उनके ऊपर जल्दी चर्चा करके हम लोग उन्हें घोषित भी करेंगे। परंतु मैं एक और बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियाँ सारी हो चुकी हैं, मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियाँ हमारी 95% हो चुकी हैं। संगठनात्मक जो ढांचा हमारा है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट है। जिला अध्यक्ष 4-5 निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं, परंतु बदलाव जहाँ जहाँ वहाँ करेंगे तो वो 15 दिन के अंदर। खैर, अब जब संगठन ही कमजोर है तो कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, ये सवाल भी अब लोग पूछने लगे हैं। इसके अलावा अब जब चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं तभी पार्टी को ये वार्ताएं क्यों याद आ रही हैं? क्या केवल समीक्षा बैठक से पार्टी की जीत का रास्ता निकल सकता है? इस बात की भी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 4.5 साल उन्हें दरकिनार किया गया तो सह प्रभारी जी भड़क गए और कहने लगे, आप मुझे नाम बताइए कि किसने कहा ये। लगातार कह रहे हैं कि 4.5 साल के दरमियान जो कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, उनकी बात नहीं। मुझे तो किसी कार्यकर्ता ने आज ऐसा नहीं कहा, आपको किसने कहा? सर, कार्यकर्ता कह रहे हैं, अब बताइए कौन सा कार्यकर्ता। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि जब ऊपर वालों में ही खींचतान है तो जिले और गांव ढाणियों पर कौन ध्यान देगा। इधर लगातार पार्टी आलाकमान की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के बीच का मनमुटाव खत्म किया जाए। कई बार इसे लेकर बैठकें भी हुई लेकिन फिर भी मनमुटाव की खबरें सामने आ ही जाती हैं। अब इससे कांग्रेस आलाकमान कैसे निपटेगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जालौर से नरेश बिश्नोई की रिपोर्ट।